Let's go live. I'll start admitting participants. We're live now, sir. Give me the green signal. We can start, sir. Namaskar. Swagat hai aapka. एनएफओ के संबंधित वेबिनार में जहाँ पे हम एनएफओ के लॉजिक इकोनॉमी और मार्केट्स की स्थिति के अंदर आपको बताएंगे ताकि आपको भी जानकारी आए कि क्यों ये एनएफओ एक अच्छी एनएफओ है और एक अच्छी वक्त पे लॉन्च हो रहा है। तो इसमें जैसे आपको पता है नाम जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक में निवेश करने वाली फंड है, डिवर्सिफाइड फंड है, ये 45 से 50 स्टॉक होंगे इसमें। और इसका टैगलाइन जो दिया हमने साइज मैटर्स, तो लार्ज से संबंधित साइज के बारे में बातचीत है। और हमने क्यों यहाँ पे एक सुमो पहलवान को चुना है जैसे हमारी ब्रांड एम्बेसडर, मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ जैसे मैं इन बुक के अंदर घुसता हूँ। तो अभी के लिए आप देखें तो पहली चीज की लार्ज कैप कंपनियां क्या होती है। लार्ज कैप कंपनियां वो होती है जो कि सेबी ने डिफाइन किया है कि दुनिया से सबसे टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन से चुने हुए स्टॉक। बट ये कंपनियों की कुछ खास चीज होती है जैसे कि उनकी बिजनेस मॉडल बहुत स्थापित हो चुके हैं, प्रूवन हुए हैं। सेकंड, उनकी साइज के कारण उनको स्केल वाले बेनिफिट भी मिलते हैं, कंपटीशन वाले छोटे कंपनी के साथ उनकी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी बनती है। तीसरी चीज है कि बिजनेस साइकिल ऊपर नीचे चलता है तो फिर भी उनकी बिजनेस में एक स्टेबिलिटी होती है साइकिल के बावजूद। और छोटे कंपनियों में स्मॉल कैप मिड कैप में क्या होती है, ओनर ड्रिवन कंपनी होती है तो ओनर को कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली कंपनी की हालत भी सोचनी पड़ती है। मगर इनके पास ऐसे नहीं है, एक सिंगल ओनर की बात नहीं है, एक मैनेजमेंट की बैंडविड्थ होती है जो वाइड होती है और डेप्थ भी होता है। एट द सेम टाइम इनकी बैलेंस शीट भी बहुत जबरदस्त होती है तो इनको कैपेबिलिटीज कुछ चाहिए उसको खरीद सकते हैं, एट द सेम टाइम कंपनियों को भी खरीद सकते हैं इसके कॉम्पिटिटिव स्पेस में। स्टॉक मार्केट में आए हैं तो इन स्टॉकों में बहुत से लिक्विडिटी होती है, आसानी से हम एंटर कर सकते हैं या एग्जिट करना है तो कर भी सकते हैं। और यहाँ पे ढेर सारा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है इन यूनिवर्स में क्योंकि सब सारे स्टॉक ब्रोकर रिसर्च एनालिस्ट इनको कवर करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन का गैप नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ये फंड जो हम लॉन्च कर रहे हैं 45 से 50 स्टॉक में निवेश करेगी और इसका बेंचमार्क हमने चुना है लार्ज कैप के अंदर निफ्टी 100, क्योंकि उसमें 100 स्टॉक होते हैं तो इसमें से 50 स्टॉक चुनना आसान हो जाता है। मिड कैप इसमें मैक्सिमम 20% रहेंगे रेगुलेटरी के अनुसार, बाकी चीज मैं बाद में बताता हूँ। तो अब अगर आगे बढ़े तो पहली चीज लार्ज कैप फंड की बात कर रहे हैं, मगर आपको भी एक जानकारी दे दूं कि लार्ज मिड और स्मॉल कैप में कब कितना निवेश करना चाहिए। ऐसी हालत में आप देखें तो भी पिछले महीने के एंड में देखिए लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स तीनों के रिटर्न मैंने ग्रीन में बताया आपको, एक महीने से एक साल तक यानी सभी इंडेक्सेस आज पॉजिटिव टेरिटरी में है। मगर उसके अंदर अगर आप देखेंगे टेबल में तो हाल में क्या दिख रहा है कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने बेहतर रिटर्न दिया, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद लार्ज कैप। तो आप सोचेंगे अभी क्यों लार्ज कैप लॉन्च कर रहे हैं, स्मॉल कैप तो बेहतर रिटर्न दे रही है। बात ऐसी नहीं होती है, ये आज का टाइम है, अभी का टाइम है। अगर 3 महीने पहले या 4 महीने पहले आप मार्च 31 को जाइए, एक साल का रिटर्न जो आज 6, 12, 16, 16.5 का है लार्ज मिड और स्मॉल का, मार्च 31 को देखिए एक साल का रिटर्न लार्ज कैप का था 0.5% नेगेटिव, मिड कैप का 25% नेगेटिव और स्मॉल कैप का 33% नेगेटिव। तो भयंकर बदलाव। और उससे पहले 3 महीने जब कोविड महामारी के पहले दिसंबर में लीजिए तो लार्ज कैप ने जबरदस्त डबल डिजिट रिटर्न दिए थे और मिड और स्मॉल कैप ने नेगेटिव। तो ये एक ही साल के अंदर हमने देखा कि कैसे एक बहुत सा एक डिफरेंस आ गया है कि कौन लीडरशिप में है, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप। तो ऐसे डिफरेंसेस किस कारण आते हैं आप देखें तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको ट्रैक करना है तो एक रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस जो होता है
तो एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम 15-16 साल लेकर हर दिन 3 साल का इन्वेस्टमेंट, हर दिन 5 साल ऐसे इकट्ठा करके हम ज्यादा डेटा पॉइंट लेकर एक प्रेडिक्शन और अंडरस्टैंडिंग भी हम बदल सकते हैं उसमें। तो उसमें हमने क्या किया कि करीबन समझिए कि 2004 जनवरी से आज तक 16.5 साल में हमने हर दिन एक 3 साल या 5 साल या 10 साल का निवेश करके 3 साल के बाद क्या हुआ उसकी जानकारी निकाली है एनालिसिस के थ्रू। तो करीबन 5,000 3 साल के ऑब्जर्वेशन मिले हमें, 5 साल में 4,200 ऐसे ऑब्जर्वेशन मिले और 10 साल में 2,400, यानी ढेर सारा ऑब्जर्वेशन, ताकि जो भी डिसीजन हम उससे ले उसका एक सॉलिड बेसिस होता है कि हमने बहुत से पीरियड्स को ट्रैक किया है। तो एक कॉन्फिडेंस आती है ऐसी प्रेडिक्शन के अंदर। और यहाँ आप देखेंगे तो इन 16 सालों में 3 साल वाले रिटर्न, कभी भी आप एंटर आए एग्जिट हुए, तो एवरेज में आपको 12-13% मिला है। 5 साल में भी आपको 10 से 11, और ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप। और ये एक गलत ऑब्जर्वेशन होगा कि कॉन्स्टेंटली आपको ये रिटर्न मिलेगा, नहीं। ऐसे कहते हैं कि गंगा जब बहती है तो कहीं पे 3 फुट का डेप्थ होता है, कहीं पे गहरा एकदम 15 फुट का डेप्थ होता है, राइट। तो आप एवरेज निकाल के बोलेंगे कि 6 फुट है तो मैं आसानी से तैर सकता हूँ, बात गलत है ना। कहीं पे 3 कहीं तो 15, तो एवरेज इतनी गलत होती है एक चीज प्रेडिक्टिव कैपेसिटी में। हमें देखने की जरूरत है कि मैक्सिमम क्या हो सकता था, मिनिमम लॉस क्या हो सकता मैक्सिमम, और उस चीज के ऊपर डिसीजन लेने की जरूरत है। ये डिफरेंस को कहते हैं वेरिएबिलिटी या वॉलेटिलिटी या रिस्क या स्टैंडर्ड डिविएशन, कई नाम है इसके, हम रिस्क का वर्ड इस्तेमाल करेंगे आज। तो ये रिस्क आपको देना है, तो रिवॉर्ड भी देखना है रिस्क भी देखना है। तो ये सेम ऑब्जर्वेशन जो मैंने पहले बताया आपको, 3 साल 5 साल और 10 साल में देखिए क्या चीज है। मैक्सिमम रिटर्न आपको जो मिल सकता था एक 3 साल निवेश करने के ऊपर, आपको 48% पर एनम था लार्ज कैप में, 70% पर एनम था स्मॉल कैप में। यानी ये देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे, बोले मेरे को स्मॉल कैप में 22% ज्यादा रिटर्न मिले। अरे वो कब मिलेगा आपको क्या पता, जब मिला उतना मिला, मगर रिस्क है लॉस बनाने का भी ना 3 साल के अंदर। तो लार्ज कैप में जाइए तो लॉस का मैक्सिमम लॉस रहा है 8% पर एनम, वेर एज स्मॉल कैप का लॉस रहा है 21% पर एनम। और 5 साल और 10 साल में भी देखिए रफली सेम ट्रेंड आपको आते हुए दिख रहा है। तो नीचे लाइन में मैंने दिखाया आपको क्या कि क्लियरली लार्ज कैप आपको प्रोटेक्शन बेटर देते हैं बैड टाइम में, मगर गुड टाइम में मिडिल स्मॉल कैप के तरह रिटर्न नहीं देते। ये बात आप इनहेरेंटली समझते हैं, मगर मैंने नंबर के जरिए आपको सामने दिखाया यहाँ पर। तो ऐसी हालत में लार्ज कैप का स्टेटस डेट फंड और एक्सट्रीमली रिस्की स्मॉल कैप फंड के बीच में होता है। तो इसको कहते हैं मीडियन ऑफ द रिस्क रिटर्न ग्राफ, यानी इक्विटी के अंदर लार्ज कैप सेफेस्ट तरह का सेगमेंट है। तो अब उस डिसीजन को लेकर कैसे आप डिसाइड करें कि मैं कितना लार्ज मिड और स्मॉल कैप में निवेश करूं। तो क्या होता है आपने देखा ना गुड टाइम बैड टाइम मैंने बताया, तो अगर आपका गुड टाइम बैड टाइम का प्रेडिक्शन सही निकला तो आप परफेक्टली स्विच कर सकते हैं, क्योंकि गुड टाइम में स्मॉल कैप में रहना चाहिए, बैड टाइम में लार्ज कैप में रहना चाहिए, तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि व्हाट डिसाइड्स गुड टाइम और बैड टाइम, ये जानना जरूरी है। तो दो नॉर्मली हम मानते हैं कि लाइफ में सर्टेनिटीज है, क्या हमारी मौत और हमें जो टैक्स भरना पड़ता है ना। मगर फाइनेंशियल लाइफ में एक तीसरा सर्टेनिटी है जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। यानी दुनिया में आप देखें तो हालत ऐसी होती है कि वर्चुअल साइकिल जो गुड साइकिल होता है या बुरी साइकिल जो बैड साइकिल विशियस साइकिल कहते हैं। तो कैसे बनता है ये गुड साइकिल और बैड साइकिल, जैसे मित्र ये सर्कल है, सर्कल की शुरुआत कहीं पे भी हो सकती है, बट हम इस अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरू करेंगे डिमांड से, क्योंकि ज्यादातर टाइम डिमांड डिसाइड करता है ये सर्कल का किस तरफ जाने वाला है। तो अगर हाई डिमांड स्थिति है इकोनॉमी में, जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी ना, तो हाई डिमांड के कारण कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश के फैक्ट्री में कारखाने में बढ़ती है। तो जब से ही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% पार करती है तो इन्वेस्टमेंट भी और बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सप्लाई जो भी चीज वो मैन्युफैक्चर करते हैं उसका सप्लाई बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन गिरती है, फिर इंटरेस्ट रेट भी उसके साथ गिरती है, और वो लोअर इंटरेस्ट रेट के कारण डिमांड और भी बढ़ती है। तो ये होता है एक अच्छी साइकिल में अगर इकोनॉमी हो तो उसे कहते हैं वर्चुअल साइकिल। अब ये बुरी साइकिल कब होती है, जब डिमांड घटती है डिप्रेस होती है, तो डिमांड डिप्रेस होने से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिरती है,
तो कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, तो नेचुरली सप्लाई टाइट हो जाती है, सप्लाई टाइट होती है तो दाम बढ़ते हैं, दाम बढ़ते हैं तो रेट भी बढ़ते हैं, तो उसके कारण और भी डिमांड घटता है। तो ये साइकिल में अगर फंस गए बदलाव, तो स्थिति ऐसी होती है कि एक इकोनॉमी इधर गुड साइकिल में होगी, बैड साइकिल में होगी, या चेंज ओवर पीरियड में हो सकती है। तो ऐसी हालत में ये इकोनॉमी में जो साइक्लिकलिटी होती है वो अपने आप स्टॉक मार्केट में भी आती है। कारण क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिटर्न आपको कैसे मिलता है, एक होती है अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज, जो करंट अर्निंग, उससे आपको डिविडेंड भी मिलता है। दूसरी होती है पीई का री रेटिंग, री रेटिंग माने 10 से 12 जा सकता है या 8, 10 से पीई 12 गया तो प्रॉफिट, 10 से 8 गया तो नुकसान, राइट। तो ये दो तरीके होते हैं, ये 10 से 12 या 10 से 8 डिसाइड करने वाला वैल्यूएशन में। और दो तरह की स्थिति होती है, क्या एक फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन, इस कंपनी की ग्रोथ अगर फ्यूचर में बेहतर होनी है तो ऑटोमेटिकली उसका पीई भी बढ़ता है। एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट के लिए पैसा, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप के लिए अलग तरीके से पैसे आते हैं ना, तो पैसा ज्यादा जहां पे आता है वहां पे पीई बढ़ता है, या पैसा जहां पे गिरता है वहां पे पीई घटता है। तो पीई के पीछे भी दो कारण है, तो टोटल तीन कारण बन गए, करंट ईपीएस, फ्यूचर ईपीएस और डिमांड फॉर स्टॉक्स, राइट। यही मैंने यहाँ पे बताया कि बिजनेस साइकिल में ये तीनों इस फैक्टर्स को अफेक्ट करती है, गुड साइकिल और बैड साइकिल। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी आ रही है क्योंकि ये फ्लक्चुएशन आ सकती है तीनों क्षेत्र में। तो अब स्टॉक मार्केट में पिछले 17 साल में, मैंने अप्रैल 2003 से आज तक डेटा निकाला है, 4 साइकिल्स रहे हैं हमारे देश में, एक अभी चल रही है। तो ये 4 साइकिल में क्या है कि पहले गुड साइकिल, फिर बैड, फिर गुड, फिर बैड। गुड कब था, अप्रैल 2003 से जनवरी 2008। बैड, जनवरी 2008 में ग्लोबल में क्राइसिस आई, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद बैड साइकिल। फिर वापस 2013 अक्टूबर में मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने रिफॉर्म्स की पैकेज सब अनाउंस की थी, शुरू किया था, फिर मोदी की सरकार आई तो सब बेहतर चलने लगा टिल दिसंबर 17 में बैड टाइम वापस शुरू हुए। क्योंकि क्या हुआ था, आपको नेगेटिव फूड इन्फ्लेशन, जीएसटी और डिमांड के कारण इकोनॉमी में कुछ टक्कर, उसके बाद एनबीएफसी वाली क्राइसिस आई तो एकदम स्लोडाउन वापस आ गई। तो इसमें क्या आपको दिखता है, तीन कलर के लाइन दिख रहे हैं, वो एक है लार्ज कैप इंडेक्स, दूसरा मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप, तीनों देखिए वर्चुअस में बढ़ते हैं, विशियस में गिरते हैं, पर कितने बढ़ते हैं कितने गिरते हैं उसमें फर्क है। इसको समझने के लिए ये ग्राफ में जो डेटा से ये ग्राफ बना है, उस डेटे को मैंने टेबल के जरिए आपको पेश किया है। और यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में आपको मैंने वर्चुअस साइकिल यानी अच्छी साइकिल में स्थिति बताया, और राइट में बुरी साइकिल यानी वर्चुअस विशियस साइकिल की स्थिति बताया। तो लेफ्ट साइड में क्या दिखता है, दोनों वर्चुअस साइकिल में सभी हरे निशान यानी सभी पॉजिटिव रिटर्न और भयंकर पॉजिटिव रिटर्न, यानी 49% पर एनम लार्ज कैप, 63% मिड कैप, स्मॉल कैप 77% पर एनम। तो एक चीज है कि गुड साइकिल में सभी स्टॉक मार्केट के क्षेत्र पॉजिटिव रिटर्न देते हैं, मगर सेकंड चीज आपने देखा टेबल के अंदर, जरा ध्यान से देखिए कि गुड टाइम्स में स्मॉल कैप आपको मिड कैप से बेहतर रिटर्न देते हैं और मिड कैप्स आपको लार्ज कैप से बेटर रिटर्न देते हैं। ये होती है हालत गुड साइकिल में। तो अगर साइकिल गुड है तो स्मॉल कैप्स इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, मगर अगर साइकिल बैड है तो देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप नेगेटिव देते हैं, मगर लार्ज कैप ने आपका इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया या फिर एक्चुअल लाभ भी दिलवाया है। तो फर्क देखा आपने कि बैड साइकिल की टाइम हो तो लार्ज कैप्स आपको प्रोटेक्शन दिलवाती है, मगर मिड एंड स्मॉल कैप आपको नुकसान दिलवाती है। तो अगर आपने बिजनेस साइकिल का प्रोडिक्शन सही कर दिया तो परफेक्टली आप स्विच कर सकते हैं लार्ज टू मिड टू स्मॉल, या अपना कॉम्पोजिशन उस हिसाब से बदला सकते हैं। तो समझ क्या है, समझ यह है कि आपको इकोनॉमी की स्थिति गुड साइकिल में या बैड साइकिल, यह समझना बहुत जरूरी चीज है। तो ऐसी हालत में सोचिए कि बुरी साइकिल हो या अच्छी साइकिल हो, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में फंड मैनेजर हर क्षेत्र में कुछ गुड मल्टी बैगर्स यानी तीन गुना से ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक सुन सकते हैं, वैसे ही वो आपको इंडेक्स से बेहतर रिटर्न दिलवाने की कोशिश करते हैं ऐसे स्टॉक्स को ढूंढकर। तो अब इकोनॉमी की हालत में आते हैं, क्योंकि डिसीजन आपको लेना है कि मेरे को कितना आज के दिन में लार्ज कैप में डालना चाहिए, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, राइट। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए साइक्लिकलिटी में कहां है आज,
वो समझने के लिए, जैसे आपने देखा मैंने बताया दिसंबर 17 से आपको डाउन टर्न शुरू हुई, यही बात मैं दिखा रहा हूँ कि सर्विसेज इंडस्ट्री एग्रीकल्चर जीडीपी के तीन भाग तीनों एक गिरावट की स्थिति में पिछले 2-3 साल से आपको दिख रहे हैं। तो इकोनॉमी ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन से पहले से ही डाउन टर्न में चल रही है। और अब क्वार्टर वन में क्या हुआ, क्वार्टर वन में हमारे देश में 24% नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आई, तो दुनिया के G7 बड़े माने जाने माने कंट्रीज में से हमारी बहुत बुरी हालत हमारी रही, क्योंकि हमने लॉकडाउन सबसे जबरदस्त और सबसे लंबा हमने इंप्लीमेंट कर दिया था। तो ऐसी हालत में हमारी जीडीपी की गिरावट के पीछे इंडस्ट्रीज का 38% गिरावट, सर्विसेज का 40% गिरावट और एग्रीकल्चर थोड़ा पॉजिटिव 3% पॉजिटिव। तो क्लियरली आज इकोनॉमी एक विशेष साइकिल में फंसी हुई है और ये इकोनॉमी की साइकिल स्टॉक मार्केट में भी साइक्लिकलिटी बदलती है, क्योंकि फर्स्ट थिंग आपने देखा ईपीएस से आपको अर्निंग्स बनती है, वो ईपीएस में भयंकर लॉकडाउन और कोविड का इंपैक्ट दिखा, यानी ओवरऑल मार्केट में जीडीपी 24% गिरी तो सेल्स भी आपको 28%, और उसमें से बैंक को हटा दे क्योंकि बैंक को तो हालत अच्छी रही बिकॉज आरबीआई ने बहुत सस्ता पैसा दिया और 6 लाख करोड़ का लिक्विडिटी भी दे दिया, तो बैंक की हालत अच्छी रही। तो बैंक के बिना देखे तो ओवरऑल मार्केट में 34% की गिरावट सेल्स में आई, जबकि जीडीपी की गिरावट खाली 24% थी। और प्रॉफिट भी देखिए 71% डाउन ओवरऑल मार्केट की स्टॉक्स, मगर ये ओवरऑल स्टॉक मार्केट वाली बात बनी ना, निफ्टी और बीएसई 100 को छोड़िए, हम लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप को अगर फर्क करेंगे और माइक्रो कैप्स का भी देखें जो 3,000 करोड़ से कम वाली है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि लार्ज कैप्स में 58% नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ, मिड कैप में 55% पर स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 80% और माइक्रो कैप में तो पूछिए मत 1000% की डाउन। सो यानी डाउन साइकिल में आप लार्ज और मिड कैप कम अफेक्ट होते हैं, स्मॉल और माइक्रो कैप बहुत अफेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये बात अब मैं कह रहा हूं कि दिखता है आपको कि विशेष साइकिल में क्यों आपको दिखा था कि लार्ज कैप ने प्रोटेक्शन दिया मार्केट के अंदर, वो एक कारण ये है। दूसरी कारण कि अगर ये पास्ट अर्निंग्स हो गई, अभी इमीडिएट क्वार्टर का अर्निंग्स का आउटलुक भी वीक है, आपको पता है अभी भी डाउन टर्न चल रही है, तो ये फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ का भी कुछ अच्छा हाल नहीं है। और तीसरी चीज है लार्ज कैप तीनों में लेस अफेक्टेड होते हैं, करंट ईपीएस में आपने देखा, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर ईपीएस में भी फर्स्ट रिकवरी लार्ज कैप की आती है मानते हैं, डिमांड भी बदलता है, वो मैं थोड़ा बाद में कवर करूंगा। तो अब वो डिमांड की बात जो मैंने करी वो सामने दिखा रहा हूँ कि लार्ज कैप्स के लिए डिमांड कहाँ से आई है। लार्ज कैप्स के लिए डिमांड एफआईआई के जरिए आई है, क्योंकि एफआईआई हर देश में लार्जर कंपनीज में ही निवेश करते हैं। तो अप्रैल से आज तक इस डाउन टर्न के पीरियड में हमारे देश को मिला $11 बिलियन का एफआईआई का इनफ्लो, उसको करोड़ में हम कन्वर्ट करें तो 83,000 करोड़ की इनफ्लो आके लार्ज कैप को सपोर्ट किया। और इसके बावजूद कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने 16,000 बेचा, क्योंकि ये इकोनॉमिक आउटलुक बुरी लग रही है, तो म्यूचुअल फंड ने कहा कि एफआईआई खरीद रहा है तो मैं बेच डालू और मैं थोड़ा कैश जनरेट करके रखू। तो हालत यह है कि नेट 65,000 करोड़ परचेसिंग लार्ज कैप के लिए पॉजिटिव फ्लोज आई थी, और इसलिए सेंसेक्स ने आप देखिए 5% पॉजिटिव रिटर्न दिखाया, व्हेयरएज मिड और स्मॉल कैप ने 7 और 10% नेगेटिव रिटर्न दिखाया इस विशेष साइकिल के अंदर। तो ये विशेष साइकिल कब तक चलेगी और कितना देर तक, तो इसके लिए पहली चीज देखना चाहिए कि कुछ पॉजिटिव इस नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ के टाइम में भी थे, एक था गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दूसरा एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो कि गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली 13% पर एनम के लेवल पे कंजम्पशन बढ़ा रही है, तो उसको 16% कर दिया था इस क्वार्टर में, तो शायद ये एडिशनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक नई शुरुआत आ सकती है देश के अंदर। और उसके साथ एग्रीकल्चर भी, क्योंकि रबी की हार्वेस्ट अच्छी रही इसलिए कुछ 3-3.5% एग्रीकल्चर भी पॉजिटिव रहा, इसलिए जीडीपी 24% डाउन था, नहीं तो ये दो फैक्टर्स नहीं होते तो जीडीपी और भी 40% भी डाउन हो सकता था। तो ऐसी हालत में ये दोनों चीज आगे वाले दिन के लिए भी थोड़ी ग्रीन शूट्स है। क्या है वो, एक है कि मॉरेटोरियम के खत्म होने से आरबीआई ने सही वक्त पर एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क अनाउंस किया, ताकि मॉरेटोरियम खत्म होने से ही वो रेजोल्यूशन के कारण
एक सिस्टम को ईज आउट कर सकती है, बैंकिंग सिस्टम को भी और बोरोवर्स के लिए भी। तो कामत जी के अंदर एक कमिटी फॉर्म किया था और कमिटी ने रिकमेंडेशन सबमिट किया है। उस कमिटी के रिकमेंडेशन के जरिए करीबन 66% कंपनी को कुछ राहत मिलने वाली है। रेजोल्यूशन मनी पहले एक साल में देना था तो उसको 3 साल टाइम देंगे ताकि धीरे धीरे वो पैसा वापस दे सके। तो करीबन 2/3 ऑफ इंडियन कंपनीज, रेटेड कंपनीज को बेनिफिट मिलने वाली है और ज्यादातर बेनिफिट कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और केमिकल सेक्टर के लिए होने वाली है। तो सेकेंड चीज मॉरेटोरियम के अलावा ये है रूरल इंडिया में जो रिकवरी, ऑलरेडी थोड़ा बहुत 3.5% की ग्रोथ देखा आपने, मगर बात ऐसी बनी कि दो चीज पॉजिटिव हुए रूरल के लिए रबी हार्वेस्ट के बाद। एक हुआ कि आपको माइग्रेंट लेबर अर्बन शहर से आपको गांव में आ गए, लेबर की क्वालिटी नहीं अच्छी थी, बहुत सारे लेबर थे। सेकेंड चीज जो हुई थी कि मानसून का प्रेडिक्शन अच्छा रहा और मानसून भी अच्छी रही, तो इसलिए खरीफ की क्रॉप का सोइंग देखिए 5 जून से हर हफ्ते ट्रैक किया हमने, तो 100% नॉर्मल एरिया जो सो करते हैं उसमें पूरा भरपूर सोइंग हो चुका है। पिछले 7 साल में सबसे बेहतर एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है। और इसके साथ गवर्नमेंट ने भी जिसको भी नौकरी नहीं मिली उधर फार्म्स में उनको नरेगा के थ्रू गवर्नमेंट ने भी 40,000 करोड़ का एडिशनल एलोकेशन करा के करीबन 40% एडिशनल लोगों को नौकरी दे दी थी गवर्नमेंट ने। तो थोड़ा बहुत पैसा फार्मर और रूरल इंडिया के अंदर हाथ में आया तो उन्होंने भी 2-व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल खरीदना शुरू कर दिया। तो 84% अप्रैल में गिरावट थी, उससे अभी गिरावट कम होकर एक वी शेप्ड रिकवरी बनते हुए आप देख रहे हैं। ये 2-व्हीलर और पैसेंजर है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में डायरेक्ट इस्तेमाल होने वाले गाड़ी यानी ट्रैक्टर की देखिए 84% नेगेटिव से आज 15% और 24% पॉजिटिव में आ गए। तो रूरल इंडिया का हालत सुधरते हुए सामने आ रहा है। अर्बन में हालत देखें तो अर्बन में भी रिकवरी है मगर उतनी शार्प वी शेप नहीं है जितना कि रूरल में था। धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स देखें तो ट्रैफिक की कंजेशन देखिए बढ़ रही है और टीवी एडवर्टाइजमेंट मतलब जब घर में बैठे हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो टीवी का व्यूअरशिप भी बढ़ रहा है, तो टीवी की एड भी बढ़ रही है। फिर गवर्नमेंट की खर्चा बढ़ रही है मैंने बताया, तो ईवे बिल जिसके थ्रू गवर्नमेंट आजकल खरीदारी करके वहां पे भी एक वी शेप रिकवरी आपको सामने दिख रही है। और फ्रेट जो सामान को शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो बल्क सामान कौन सा होता है, सीमेंट होता है, स्टील होता है, कोल होता है, फर्टिलाइजर होता है, तो ये सब चीजों में देखिए वी शेप रिकवरी दिख रहा है, डिफरेंट लेवल के वी शेप। तो ओवरऑल फ्रेट में भी एक रिकवरी सामने दिख रही है। तो इसके साथ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ रही है और ओवरऑल रूरल इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट वापस पहले वाले लेवल पे पहुंच गया है और अर्बन अभी थोड़ी बाकी है। तो ओवरऑल एक इन्वर्टेड वी शेप आपको अनएम्प्लॉयमेंट में भी आते हुए दिख रही है। तो एट दिस पॉइंट जेफरीज करके एक कंपनी है जो कि सब इन इंडिकेटर को मिला के एक ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर बनाती है, उसके हिसाब से आज प्री कोविड लेवल के 90% में पहुंच चुकी है। अगर याद रखिए प्री कोविड भी हमारी इकोनॉमी डाउनटर्न में थी, तो और उससे भी ओरिजिनल ग्रोथ लेवल पे जाने के लिए और भी वक्त लगेगा। तो इसमें दो फ्यूचर की जीडीपी प्रेडिक्टिंग इंडिकेटर है पीएमआई, तो इसमें सर्विसेज पीएमआई एक होता है, वी शेप रिकवरी सामने दिख रहा है मगर वो अभी भी 42% ही आई है। 50 के ऊपर जाने से ही हम कह सकते हैं कि रिकवरी पूरी मजबूत एक पॉजिटिव ग्रोथ में आ गई, अभी तक वो नहीं हुआ है। मगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको दिख रहा है कि 50 के पार हो चुकी है ये वी शेप रिकवरी। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में एक वी शेप रिकवरी की उम्मीद है। और इसका मेन कारण ये ग्रीन शूट्स तो दिख रहे हैं मगर ये भी उम्मीद है कि एक साल के अंदर कुछ क्योर या वैक्सीन भी सामने आ जाएगा ताकि ये महामारी को हम पूरी तरह टैकल कर सके। तो ऐसी हालत में वी शेप रिकवरी का शेप दिख रहा है यहाँ पर। तो आईएमएफ का मानना है कि इस साल 2020 में हमारी देश की जीडीपी -4.5% नेगेटिव ग्रोथ दिखाएगी, बट अगले ही साल 2022 में ऑटोमेटिकली हमारी शार्प वी शेप्ड बाउंस बैक 6% हो सकती है। और क्वार्टर बाय क्वार्टर इसको देखें तो पिछले क्वार्टर में 24% नेगेटिव का, हम मानते हैं कि अगले क्वार्टर 9% नेगेटिव ही रहेगा, उसके बाद 1.5% नेगेटिव रहेगा और लास्ट क्वार्टर में जबकि ये खरीफ क्रॉप की हार्वेस्ट है
तब ये पॉजिटिव एग्रीकल्चर ग्रोथ शॉक आके हमारी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ को एक 2% पॉजिटिव हो सकती है, ये अभी मानना है। तो ये वी शेप्ड जीडीपी ग्रोथ ही हमके सामने दिख रहा है। तो मगर इसमें 2-3 रिस्क फैक्टर है जो हमें जानना चाहिए। पहला रिस्क फैक्टर है कि पहले जो केस कोविड वाले केसेस 20% ही रूरल इंडिया में थे, 80% अर्बन में थे, और जुलाई और अगस्त में आप देख रहे हैं स्थिति बदल गई है। अब आधा का आधा रूरल और अर्बन बन गया है। और ऐसा चीज है कि जून से अगस्त आपने लिया तो अर्बन केस रहे 3.5 गुना हो चुकी है, तो रूरल 7.5 गुना बढ़ चुकी है, यानी डबल द रेट। तो ये मेजर रिस्क मैं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 3 तरह से ये हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकती है। पहली चीज, अगर बहुत लोगों को ये महामारी फैल गई बहुत लोगों में, तो खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए लेबर की शॉर्टेज हो सकती है। सेकेंड, अगर हर एक फैमिली में कोई ना कोई कोविड से लगा हुआ है तो क्या होता है कि किसी का सेंटिमेंट खरीदारी के लिए, जो कि दिवाली के टाइम से एक बाउंस बैक होने का था इकोनॉमी में, शायद ये केस को हमने कंट्रोल नहीं किया तो रिस्क उसमें भी बढ़ता है। और तीसरी चीज, अगर ये केस इसी रेट पे बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट वापस लॉकडाउन इंट्रोड्यूस करने के स्पेसिफिक जगह में कर सकती है, जिसका असर इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और भी भारी होगा। तो ये 3 रिस्क है। तो ये रूरल केस राइज को हमको क्लोजली ट्रैक करना होगा। तो और एक रिस्क है कि मैंने व्हीकल के बारे में आपको ऑलरेडी बताया कि 2-व्हीलर कार और ट्रैक्टर की जबरदस्त हो रही है, मगर एक कोर व्हीकल इंडस्ट्री में कंपोनेंट है ट्रक और बसेस और 3-व्हीलर। मैंने कहा कि फ्रेट बढ़ रहा है, मगर क्या है कि ऑलरेडी सप्लाई ऑफ व्हीकल सरप्लस में है, तो ये जो बढ़प है वो आसानी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और नया कोई व्हीकल अभी खरीद नहीं रहा है, ट्रक बस या 3-व्हीलर। तो लास्ट ईयर की माफिक वहां पे अभी भी बहुत डाउन में है, तो ये डाउन भी एक रिस्क है। और रिटेल की लेवल में भी देखें, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सभी जगह में रिटेल की इंप्रूवमेंट हो रही है, बट अभी भी अगस्त में पिछले अगस्त के माफिक अभी भी 52% कम है रिटेल सेल्स, राइट? तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए एज अ रिस्क फैक्टर। तो ऐसी इकोनॉमी की हालत में समराइज मैं करूंगा कि विशेष साइकिल में जरूर है, मगर वी शेप सामने दिख रहा है धीरे धीरे, कितना टाइम लगेगा उसके ऊपर भी डाउट है, क्योंकि 2-3 रिस्क फैक्टर भी है जिसको हमें कंट्रोल करना होगा। तो ये कब रिकवरी होगी इसमें थोड़ा टाइम आपको बिल्ड करना होगा एक अनसर्टेनिटी के जरिए। तो स्टॉक मार्केट में इसकी इम्पैक्ट लार्ज कैप के ऊपर देखें तो FII की फ्लोज, मैंने कहा ना जबरदस्त 83,000 करोड़ FII की फ्लोज आए हैं। उसके कारण क्या है कि ये जो इकोनॉमिक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है वो मानते हैं कि पहले लार्ज कैप में दिखेगा, और अगले साल यानी 21-22 के साल में आपको जो निफ्टी की EPS 450 के लेवल पे रही है 4 साल से, वो अगले ही साल 660 के लेवल पार कर देगी, यानी जबरदस्त EPS ग्रोथ लार्ज कैप में आप दिख पाएंगे अगले साल। इस उम्मीद पर आज FII के पैसा आ रहे हैं, जिनका भी आउटलुक 1.5-2 years है वो इसको देखकर ला रहे हैं। दूसरी चीज है कि हमारी जो देश की वैल्यूएशन, आप इमर्जिंग मार्केट की वैल्यूएशन देखिए तो अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और जापानीज मार्केट के नीचे ट्रेड कर रही है इमर्जिंग मार्केट, मगर इंडिया का ऑलवेज प्रीमियम में ट्रेड हुआ है। तो पहला जो हरा लाइन देख रहे हैं वो इंडिया का पी का प्रीमियम है इमर्जिंग मार्केट के खिलाफ, और नीचे ब्लू लाइन जो दिख रहा है वो हमारा पी का प्रीमियम है वर्ल्ड मार्केट के। तो ये दोनों कंपैरिजन आप देखें तो नीचे काला लाइन जो जा रहा है वो है हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज, यानी हमारी देश ऑलवेज एक प्रीमियम में ट्रेड कर रही थी, मगर ये दिसंबर 17 की स्लोडाउन की शुरुआत से हमारी प्रीमियम भी गिरने लगी। तो इतना शार्प करेक्शन हो गया प्रीमियम में कि हमारी देश की स्टॉक मार्केट में बहुत सस्ता लगने लगी, इसलिए वापस पैसा आने लगा, और देख रहे हैं आप उधर एक वी शेप इन टर्म्स ऑफ द पीई भी जा रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के तौर पर इंडिया का प्रीमियम में करेक्शन एक कारण था कि FIIs ने पैसा डाला, और उस हिसाब से इस पीरियड में दिसंबर 17 टू आज तक निफ्टी की पी एक्चुअली अभी 1.3 बढ़ गई है, 17.8 से 19.1 कंपैरिजन टू दिसंबर 2017, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप की 7.5 और करीबन 3.25 गिर गए हैं पी। तो फॉरेनर्स की दिलचस्पी सामने आपको दिख रही है निफ्टी की वैल्यूएशंस को सपोर्ट देते हुए।
तो ऐसी हालत में फ्यूचर कैसे होने वाली है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव लॉन्ग टर्म आउटलुक देखना, क्योंकि 1.5 साल का तो हमने देख लिया FY22 का, तो उसके बाद वाली स्थिति में इंडिया के लिए बहुत एडवांटेज है फॉरेनर के आंखों में, चाइना के खिलाफ हमारी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल एडवांटेज। क्या है ये स्ट्रक्चरल एडवांटेज? पहली चीज है लेबर सप्लाई में, चीन की लेबर लाल वाला लाइन जो बढ़ रही थी 2017 से गिरने लगी, क्योंकि उन्होंने वन फैमिली वन चाइल्ड पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया था, मगर इंडिया की अभी भी राइजिंग ट्रेंड पे है 2050 तक। तो अगर हम कुछ गिनती ले रहे हैं इसका, 10 साल की टाइम फ्रेम ले रहे हैं 2017 से 27, तो उस पीरियड में चाइना को करीबन 21 मिलियन लोग बुजुर्ग होके वर्कफोर्स से निकल रहे हैं, और इंडिया को ये उसी पीरियड में 116 मिलियन लोग वर्कफोर्स के अंदर आने वाले हैं। तो ये लेबर सप्लाई में बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया इंडिया को, और इसके साथ हमारी बेसिक एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी है कि बेसिक एजुकेशन मॉडरेट स्किल या एडवांस स्किल में सब जगह में हमारे पास ढेर सारा सप्लाई ऑफ लेबर अवेलेबल है हमारे कंपेयरिंग कंट्रीज के साथ। तीसरी चीज और इससे जबरदस्त एडवांटेज ये है कि चीन की बढ़त के कारण उनकी पर कैपिटा जीडीपी यानी पर कैपिटा इनकम आज $10,000 के लेवल पे पहुंच गया है, और हमारा 2,000 में है, यानी चाइनीज लेबर इंडियन लेबर से 5 गुना महंगी है। तो नेचुरली ये शिफ्टिंग के लिए बहुत सपोर्ट बनता है। इसके साथ कोविड महामारी के कारण बहुत से कारखाने जो फॉरेनर्स ने लगाए थे चीन में, उनका इंटेंशन चीन से बाहर निकालना 44% बढ़ गया। तो ओवरऑल हम मानते हैं कि करीबन 350 से $500 बिलियन का एक्सपोर्ट चीन का बाहर जाने वाला है, क्योंकि चीनी कंपनी ही अपने मैन्युफैक्चरिंग को बाहर नहीं डालने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि उनको भी लेबर कॉस्ट और लेबर सप्लाई का प्रॉब्लम है। तो वियतनाम जिसका गठबंधन अच्छा है चीन के साथ, उनको करीबन 140 मिलियन यानी 33% इनको मिलने की एक आशा है, और सेकेंड रैंक में है इंडिया 70 में, और हम मानते हैं कि अगले 3 से 5 साल में इंडिया अव्वल नंबर पे पहुंच सकती है अगर पॉलिसीज और रिफॉर्म्स ठीक तरह से हो। तो उसमें आप देखिए कि ऑलरेडी एफडीआई फ्लोस इंडिया में राइजिंग ट्रेंड में रहे हैं, करीबन 5-10 बिलियन डॉलर जो मिलते थे हमें 2003-04 में, आज 60-70 बिलियन डॉलर के पहुंच गए हैं, मगर ये और भी ज्यादा करने के लिए गवर्नमेंट बहुत से इनिशिएटिव्स कर चुकी है। एक है टैक्स रेट को कटवाना, 35% के टैक्स रेट से आज 17%, यानी आधे के आधे, और वर्ल्ड में सबसे बेहतर टैक्स रेट है ये, सिंगापुर हमारे नजदीक है बस। इसके साथ हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी हटा दिया, ताकि एफडीआई वालों को जो भी प्रॉफिट इंडिया से लेके जाते हैं उसमें टैक्स ना लगे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी फिर बढ़ सकती है, और सॉवरेन वेल्थ फंड के लिए उन्हें 100% टैक्स एग्जम्पशन दे दिया। तो ये फाइनेंस की साइड हुई। सेकेंड जीएसटी का रिफॉर्म, फिर उन्होंने लाइसेंसिंग को हटा दिया, फिर एफडीआई का लिमिट को बढ़ाया, फिर रोड की कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया करी, फिर एयरपोर्ट और पोर्ट भी हमने करी। तो ये सब चीज लेकर हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पिछले 5 साल में हमने करीबन 80 रैंक की छलांग लगाई है बाय इंप्रूविंग। तो एक फॉरेनर के लिए जो 2015 में इंडिया को इवेल्युएट कर रहा था, और आज इवेल्युएट करने में जमीन आसमान का फर्क आ गया है, एक पॉजिटिव स्टेप है इंडिया के लिए। तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट रेडी एंड विलिंग है कि स्पेसिफिक सेक्टर के लिए भी कुछ कंसेशन दिया जाए। तो एक $7 बिलियन और पैन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए उन्होंने अनाउंस किया 31 जुलाई तक, जहां पे कोई भी फैक्ट्री आती है तो उसको इंक्रीमेंटल सेल्स के ऊपर 4 से 6% प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने को तैयार है 5 साल के लिए। तो ऐसी हालत में 22 कंपनियों ने फाइल किया एप्लीकेशन। कौन है ये? सैमसंग और एप्पल के सप्लायर है। तो सैमसंग का 22% शेयर है वर्ल्ड में, एप्पल का 37, यानी कुल मिला के 60% वर्ल्ड की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी अगले 5 साल में। तो 11 लाख करोड़ मोबाइल फोन और कंपोनेंट यहाँ मैन्युफैक्चर होंगे, और 12 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। ये खाली एक सेक्टर का एग्जाम्पल लिया मैंने आपको गवर्नमेंट की सिंसेरिटी और विलिंगनेस टू टेक एक्शन बताने के लिए, इस चाइना वाली अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए। तो ओवरऑल समराइज करें तो करीबन फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस लीजिए टैक्सेशन पे, पीपल स्किल और अवेलेबिलिटी की बात हमने करी, और बिजनेस एनवायरनमेंट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बैंकिंग, ये तीनों को मिलाएंगे तो करीबन इंडिया आज अमंग द वर्ल्ड मोस्ट अट्रैक्टिव कंट्रीज बन गई है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो एक्सपेक्टेशन फॉर
फॉरेनर के मन में, एफडीआई वालों एफआई वालों के मन में ही कि इंडिया 2024 के अंदर पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के रहेगी। और ये उम्मीद ही आज एक एफडीआई और एफआईआई फ्लोस के लिए बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गए हैं। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। तो क्या लिक्विडिटी है इस मार्केट के लिए पैसा आने के लिए? आउटलुक तो पॉजिटिव है बिल्कुल, क्योंकि कोविड महामारी को टैकल करने में रेट एक्शन, मॉनेटरी स्टिमुलस और फिस्कल स्टिमुलस जो इंप्लीमेंट किया वर्ल्ड के बैंक्स और गवर्नमेंटों ने, देखिए कि आज 2% के लेवल से 0.2% के लेवल में रेट्स आ गए हैं। एकदम सस्ता पैसा सबको मिल रहा है बाहर वाले देश में। सेकेंड चीज है कि उन्होंने बैलेंस शीट नोट छाप करा के अपनी बैलेंस शीट को भी भयंकर एक्सपेंड किया है, जैसे ये ग्राफ में आपको दिख रहा है। और तीसरी चीज कि ये जो पैसा गया अभी कैश में जाके बैठा है $3.5 trillion, ये इक्विटी मार्केट में आने के लिए तैयार है। और हमारा मानना है कि ये $3.5 trillion से करीबन $2 trillion आपको इक्विटी मार्केट की ओर निवेश कर सकते हैं, और आने वाले दिन में और $13 trillion का नोट छाप का प्रोग्राम G4 सेंट्रल बैंक से एक्सपेक्टेड है। और फेड ने भी अपने पॉलिसी में कर दिया, कह दिया कि करीबन 3 साल के लिए वो 0% के लेवल पे इंटरेस्ट रेट को रखेंगे। तो सस्ता पैसा और भयंकर पैसा अवेलेबल है FIIs के साथ, जो कि वो अच्छे देश में निवेश करेंगे जैसे हमारे देश में। इसलिए आपको कोई फिक्र नहीं है कि सस्टेनेबल लिक्विडिटी लार्ज कैप क्षेत्र के लिए इंडिया में मौजूद है, और डोमेस्टिक MF के पास भी ढेर सारा पैसा लार्ज कैप में पड़ा हुआ है। भले ही उन्होंने 3-4 महीने में बेचा क्योंकि FIIs खरीदारी कर रहे थे, मगर अगर FIIs बेचने लगे तो 10 लाख करोड़ के अंदर करीबन 6.5 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स में ही है। तो जैसे ही कोई FIIs की बिक्री होती है तो यहाँ पे फंड मैनेजर्स भी खरीदने के लिए तैयार हैं। तो एक लिक्विडिटी सपोर्ट लार्ज कैप के लिए जारी है फ्रॉम दीज टू सेक्टर्स। और ये सेबी के रिसेंट नियम जो आए थे मल्टी कैप गाइडलाइंस है, उसके कारण भी पहली सोच थी कि 40,000 करोड़ तक आपको लार्ज कैप में बिक्री होकर स्मॉल और मिड कैप में खरीदारी होगी, मगर उसके बाद सेबी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया और मेरा मानना है कि ये बिल्कुल उतना नहीं होगी जितना कि पहले उम्मीद था। क्योंकि इस सर्कुलर को अगर ध्यान से देखें तो क्या क्या उन्होंने कि मल्टी कैप सेगमेंट में जहाँ पे फंड मैनेजर में 70-20-10 लार्ज मिड स्मॉल में निवेश कर रहे थे, सेबी ने आके उसको तुरंत बदला दिया कि मिनिमम आपको 25% लार्ज कैप 25% में 25% स्मॉल रखना है। तो इसको एक रिस्क लेस रिस्क स्पेक्टर से हाई रिस्क मल्टी कैप को बना दिया। तो क्या होगा कि इसमें जो उम्मीद मैंने कह रहा था 40,000 करोड़ की, मेरे ख्याल में नहीं होगी, क्योंकि AMC की तरफ से एक्शन जो लेंगे वो होगी कि वो ये स्कीम को, क्योंकि उनको कोई स्मॉल कैप करने का दिलचस्पी नहीं है इकोनॉमिक हालत को देखकर, विशेष साइकिल में हम पड़े हुए हैं। तो वो एक तरफ से अपने फंड में, अगर फंड हाउस में कोई लार्ज कैप फंड नहीं है या लार्ज मिड कैप नहीं है तो अपने फंड को उधर रिकैटेगराइज कर देंगे, तब कोई बिक्री की सवाल नहीं है। सेकेंड चीज कि वो अगर लार्ज कैप फंड है या लार्ज मिड है तो उसमें मर्ज कर देंगे इस फंड को, ताकि उनको ज्यादा कुछ डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर वो तीसरी स्टेप लेंगे कि इन्वेस्टर को भी पूछेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को भी पूछेंगे कि अपना इन्वेस्टमेंट को आप उन फंडों में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें कोई स्मॉल कैप करने की आशा नहीं है। तो उसके बाद एक तो 3-4 फंड हाउस ने अपना मल्टी कैप को न्यू मल्टी कैप रूल्स के अंदर निवेश रहा, तभी वो जाके थोड़ी लार्ज कैप को बेचकर मिड कैप करने की जरूरत पड़ेगी एज एन इन्वेस्टर। मगर आपको एक्शन जो लेनी होगी कि अगर आपने एक लो रिस्क कंजर्वेटिव मेंटालिटी से मल्टी कैप में चुना क्योंकि 70% लार्ज कैप में था, तो आपको लार्ज कैप में शिफ्ट करने की जरूरत होगी। सेकेंड इज अगर आपने मॉडरेट रिस्क रिवॉर्ड इंडिविजुअल है तो शायद लार्ज और मिड कैप को देख सकते हैं, मगर अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी इसलिए आपने निवेश किया था मल्टी कैप में, तो अब वो नहीं रहा और आपको अपने आप डू इट योरसेल्फ करना होगा, लार्ज में इतना, मिड में इतना, स्मॉल में इतना। और फाइनली अगर आप नहीं नहीं हाई रिस्क में मैं कंफर्टेबल हूँ, तब आप डू नथिंग करके वही फंड में रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज के कारण उतना जो मान रहे थे बिक्री नहीं, मैं सोचता हूँ कि लार्ज कैप का डिमांड और भी थोड़ा बढ़ेगा इस रिक्लासिफिकेशन के कारण। तो अब आते हैं कि वापस जो पहला सवाल मैंने किया था कि क्या होनी चाहिए आपकी इक्विटी की कैप कर्व के मिक्स, तो
तो इसमें प्रोसेस जो होता है उससे पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना होता है, फिर गोल के जरिए एक फाइनेंशियल प्लान आइडियली विद एडवाइजर का हेल्प, तीसरी चीज वो दोनों करा के फिर आपको अपना रिस्क एपेटाइट जज करना है, ये भी एक एडवाइजर का हेल्प बहुत बहुमूल्य होता है। और मेरा सिंपल सजेशन है कि बहुत कॉम्प्लीमेंट कीजिए रिस्क एपेटाइट, ये सब एग्रेसिव मॉडरेट कंजर्वेटिव, ये तीन भाग में आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से तरह के इंडिविजुअल आप हैं। अब उसके बाद सभी को एक ही बास्केट में मत डालिए, सब में लार्ज कैप में या सब स्मॉल कैप में, एडवाइजर के जरिए आप एक बास्केट ऑफ कैप को चुनिए जिसको आप बिजनेस साइकिल के बदलाव के साथ आप उसको मिक्स को बदल सकते हैं। तो ऐसी हालत में सेम रोलिंग रिटर्न मेथडोलॉजी में बताता हूँ आपको कि कैसे आपके रिस्क की एटीट्यूड से कैसे एलोकेशन हो सकता है। तो पहली चीज है सेम टाइम फ्रेम्स की जो बात करी, यहाँ पे मैंने रिस्क के जरिए वो रिस्क ऑफ कैपिटल लॉस क्या होता है उस वहां पे बताया मैंने, क्वांटिटी ऑफ लॉस याद है आपको, मिनिमम रिटर्न मैक्सिमम रिवॉर्ड ये सब मैंने बताया था। अब उसी डेटा को लेकर मैं बता रहा हूँ कि आपको 7% का चांस है कि लार्ज कैप में 3 साल में आपका कैपिटल का नुकसान हो सकता है, मगर स्मॉल कैप में 4 गुना 26% बढ़ता है, 5 साल में तो और फासला, 10 साल में भूल जाइए कुछ नहीं होता है, सब इक्वल हो जाते हैं। तो ये चीज है कि लार्ज कैप में रिस्क सबसे कम होता है कैपिटल लॉस का, मगर आपको रिटर्न भी चाहिए ना। तो पहला रिटर्न जो मानते हैं खाली कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए इक्विटी में नहीं आते ना, आपको चाहिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न। तो यहाँ मैंने 7% का फिल्टर रखा है इन्फ्लेशन के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं आप 70% आपको चांस है लार्ज कैप में, 70% मिड, बट स्मॉल कैप में 53%। जैसे टाइम फ्रेम में जाते हैं आप देख रहे हैं कि सबका बढ़ता है मगर लार्ज कैप का सबसे बेहतर होता है मिड कैप के साथ। मगर अगर आपको और भी पैसा चाहिए, मेरे को डबल डिजिट रिटर्न चाहिए इक्विटी मार्केट से, तब देखिए कि तीनों का एक ही हाल, 54, 64, 49, 58, 64, 51, सब 50% लेवल, दैट इज आधा चांस है आपको डबल डिजिट मिलने का या नहीं मिलने का। अगर और भी ग्रीडी है 15% मेरे को चाहिए रिटर्न पर एनम, तब आप देखिए तो मिड कैप और स्मॉल कैप लार्ज कैप से बेहतर बनते हैं। तो हाईएस्ट रिटर्न 17% की उम्मीद है, बहुत एग्रेसिव रिमोट है, तभी आप स्मॉल कैप और मिड कैप को ज्यादा ऐड कर सकते हैं। नहीं तो एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर आप देखें तो रिस्क भी कम है और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स में करीबन सेम लेवल ऑफ दिस। तो लार्ज कैप्स आपको लो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल लॉस देती है बट कंपेरेबल हाई रिटर्न प्रोबेबिलिटी भी देती है। और इसलिए सूटेबिलिटी कैसी है लार्ज कैप के इन्वेस्टर के लिए कि जिनको चाहिए कैपिटल अप्रिसिएशन ओवर मीडियम टर्म विथ लो वॉलेटिलिटी उनके लिए लार्ज कैप सूटेड है। तो अब ये रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर आपको आज की जो इकोनॉमी की हालत में मैं आपको सजेशन देता हूँ कि कैसा होना चाहिए आपका लार्ज मिड स्मॉल का एलोकेशन। तो बात बनती है कि अगर आपने अपने आप को अग्रेसिव आइडेंटिफाई किया है फिर भी आपको 5 साल का होराइजन रखना जरूरी है आज, और मगर वी शेप रिकवरी की उम्मीद के कारण एक फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। तो मैं मानता हूँ कि आज आप 50% आपके पोर्टफोलियो लार्ज कैप रखने से उचित होगा और मिडिल स्मॉल कैप में 30 और 20। 1 साल के बाद अगर वी शेप रिकवरी सामने क्लियरली दिख रही है तो आप लार्ज कैप को थोड़ा घटा के 30% और बाकी मिडिल स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। यह है अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए। अब मॉडरेट है अगर आपकी मेंटालिटी तो फिर आपको 70% लार्ज कैप में रखे खाली 30% मिडिल स्मॉल कैप रखना चाहिए। 1 साल के बाद आप थोड़ा लार्ज कैप को कम करा के मिडिल स्मॉल कैप, तो ये मेरी सजेशन। तीसरी सजेशन, अगर आप कंजर्वेटिव मेंटालिटी के हो तो फिर मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप को छूइए मत, 80% लार्ज कैप में रखिए और 20% स्मॉल कैप में रखिए, राइट। तो ऐसी ही मेरी रिकमेंडेशन है, इसको समराइज करेंगे तो क्लियरली मैं कह रहा हूँ कि अगले 1 साल के लिए आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप बायस होनी चाहिए, उसके बाद आप बदल सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ द बिजनेस साइकिल। मगर अगर आप सोच रहे हैं कि अरे मैंने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया, आपको रिस्क बता दिया, ये बता दिया, समझिए कि आपने ये सब भूल गए, आप तो अपने लास्ट कैप में निवेश करके भूल गए, तो मेरा कहना है कि इवन इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द बिजनेस साइकिल चेंजेस, लार्ज कैप्स ऑलवेज कैन बी कोर पोर्टफोलियो ऑफ योर कोर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, क्योंकि आज पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखे लंबी दिशा में देखे 15 साल 20 साल वाली टाइम फ्रेम में आपको लार्ज कैप्स ने 11% पर एनम
और ये बाकी अल्टरनेटिव आप देखिए, इन्फ्लेशन तो 7% रहा है लॉन्ग टर्म, तो फिर भी आपको बेटर रिटर्न मिला है। और बैंक डिपॉजिट आज 6% में चल रहे हैं, लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आप ले लिए तो 20% लीजिए, तो 16-20% आपको 5% के नीचे मिलने वाला है, 4.8। वेरहेज आपको यहाँ पे 11% में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गेंस 10% ही है, तो आफ्टर टैक्स आपको 9.9 ऑलमोस्ट 10%, यानी दुगना रिटर्न आपको लार्ज कैप में दिया है कंपेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट एंड मच बेटर देन इन्फ्लेशन। ये पॉइंट टू पॉइंट है, अगर उसको निकाले, हमने तो रोलिंग रिटर्न एनालिसिस आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो रोलिंग रिटर्न में भी देखिए आपको एवरेज रिटर्न जो बात मैंने किया है ऑन एन एवरेज आपको डबल डिजिट रिटर्न मिला है लार्ज कैप्स के 3 साल 5 साल या 10 साल में। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को स्टडी करें तो भी देखिए, मैंने निफ्टी को भी दिखाया, निफ्टी 100 को भी दिखाया कि मैक्सिमम अभी आपको टाइमिंग परफेक्ट थी 3 साल में, तो 49% भी मिला पर एनम लार्ज कैप से। और अगर आपकी इच्छा थी कि मैं इन्फ्लेशन को बीट करूं तो आपको करीबन 70% टाइम इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिला। तो लार्ज कैप स्कोर होनी चाहिए क्योंकि रिवॉर्ड पोटेंशियल भी अच्छा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवॉर्ड भी अच्छी है। फिर नुकसान की बात करें रिस्क में, तो क्या होता है कि नुकसान आपको 3 साल में लार्ज कैप में करीबन 6-8% ही मिनिमम नेगेटिव रिटर्न मिला है आपको, मैक्सिमम नेगेटिव रिटर्न। और उसको 5 साल तक वेट किया तो खाली 2% नेगेटिव, और 10 साल के लिए वेट किया तो समझे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। और ये प्रोबेबिलिटी कैसा रहा लॉस का, खाली 5% ऑफ द टाइम, यानी 95% ऑफ द टाइम आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करके अच्छा रिटर्न मिला है। 5 साल में 98% ऑफ द टाइम आपको पॉजिटिव रिटर्न मिला है, और 10 साल में ऑलवेज। तो लार्ज कैप्स रिस्क में भी लो है, रिटर्न में भी डिसेंट है, तो इसलिए वो अपने पोर्टफोलियो में ऑलवेज स्कोर पर हो सकते हैं। आप भूल गए बिजनेस साइकिल को, ये भी भूल गए, तो यहाँ से आपको नुकसान उतना नहीं होगा, लाभ भी हो सकता है। तो उसी चीज के कारण मैं बता रहा हूं कि आज हम एक लार्ज कैप फंड जिसका नाम है सुंदरम ब्लूचिप फंड आपके सामने पेश कर रहे हैं, राइट। तो इस पे अब तक मैंने लार्ज कैप डिस्कस किया, तो उसमें मैंने इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया। तो इंडेक्स से बेहतर रिटर्न देने वाली चांसेस फंड मैनेजर के हाथ में आती है स्टॉक पिकिंग से। तो स्टॉक पिकिंग को दिखाने के लिए मैंने उठाया है निफ्टी 100 के 100 स्टॉक के अंदर 10 साल में हमने अगर स्टडी किया तो समझे कि 46 ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने 10 साल में कंटिन्यूअसली निवेश में शामिल इंडेक्स में शामिल रहे हैं। तो एक फंड मैनेजर का काम होता है ऐसे स्टॉक्स चुनना। तो समझिए कि आपने 100 रुपए लगाए 2009 में निफ्टी 100 में, तो उसका आज बनता 240। मगर अगर आप खाली इन 46 स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आपका 100 का बनता 289, यानी आपको 49% अधिक रिटर्न मिला है अच्छी स्टॉक सिलेक्शन से, राइट। तो ये स्टॉक सिलेक्शन देखिए कौन सी ऐसी कंपनियां हैं इसका कंपाउंडिंग जबरदस्त हुआ है लॉन्ग टर्म में। और सुंदरम अपने फंड के लिए एक अपना ओन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है एक डिलिजेंट और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करेगी। और इसमें हमने नाम ब्लू चिप दिया फंड को, तो ब्लू चिप क्वालिटी के लिए 3 फ्रेमवर्क हमने अपनाए हैं। यहाँ पर एक होती है मैनेजमेंट क्वालिटी, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो और केपेबल और क्रेडिबल मैनेजमेंट हो। दूसरी चीज है कि बिजनेस मॉडल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी उसकी कॉम्पिटिटिव पोजिशन स्ट्रॉन्ग, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्ट्रॉन्ग, प्रोसेस सिस्टम सब अच्छी होनी चाहिए, और उसकी ब्रांड वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए जिसने बहुत से बिजनेस साइकिल्स को देखे हुए हैं। और फाइनली फाइनेंशियल क्वालिटी में देखें तो एक तरफ रिटर्न ऑन इक्विटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ओनर के लिए, सेकेंड कैश प्रॉफिट्स होनी चाहिए, खाली पेपर प्रॉफिट नहीं चलेंगे। और ये कैश प्रॉफिट से वो क्या कर सकती है, अपने एक्सपेंशन में पहले ही अपना कैश को इस्तेमाल करके बोरोइंग को कम कर सकती है। इसलिए ऐसे कंपनियों की बैलेंस शीट में डेट कम और इक्विटी ज्यादा होता है, तो लो डेट इक्विटी वाले कंपनी हाई क्वालिटी होते हैं। तो ये तीनों क्वालिटी जो मैंने बताई ये स्टॉक मार्केट संबंधित नहीं है, ये बिजनेस मॉडल और जनरल कंपनी संबंधित है। क्या स्टॉक मार्केट इसको रेस्पेक्ट देती है,
हायर रिटर्न मिलता है इनसे, उसको देखने के लिए मैंने क्या किया कि 35 टोटल लार्ज कैप फंड है इंडस्ट्री के अंदर, उसमें से 7 फंडों ने उसका नाम ब्लू चिप रखा है। तो मानते हैं कि दूसरी एमसी की ब्लू चिप और हमारी ब्लू चिप की सिलेक्शन में डिफरेंस हो सकती है, क्योंकि उसकी प्रोसेस अलग होगी, मेरी प्रोसेस अलग होगी। मगर अगर मान लिया आपने कि प्रोसेस अलग है मगर एंड रिजल्ट जो ढूंढ रहे हैं क्वालिटी वो सेम है, तो क्वालिटी को ढूंढते हुए उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है उसको मैंने निकाला। ये 7 फंड के एवरेज रिटर्न 1 साल से 7 साल, लार्ज कैप की कैटेगरी की एवरेज रिटर्न और बीएससी 100 इंडेक्स, आप देखेंगे कंसिस्टेंटली 1 साल से 7 साल ब्लू चिप कैटेगरी ने लार्ज कैप कैटेगरी को और इंडेक्स को बीट किया है। यानी कंक्लूजन ये मैं बना रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट रेस्पेक्ट्स क्वालिटी, उसको जो रेस्पेक्ट देना है वो देकर अच्छी रिटर्न दिलवाता है। तो इसलिए हमने भी दिखाया कि लॉन्ग टर्म स्टॉक पिक हमारे फंडोस में किया है, कुछ फंड में उसमें ये नाम है जिसको हमने 48 महीने तक फंड में रखा है, 1.5 साल के टाइम फ्रेम में लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, और इनिशियली जो एलोकेशन किया उसके बाद उसको बढ़ाया, यानी चेंज ज्यादातर पॉजिटिव रहा है उनकी शेयर ऑफ द पोर्टफोलियो में। और ऐसी स्टॉक 8 स्टॉक में से 4 स्टॉक ने आपको स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न दिया है, 3 स्टॉक ने आपको हाई सिंगल डिजिट कंपाउंडिंग दिया है, खाली 1 स्टॉक एलएनटी बिकॉज इंडस्ट्रियल सेगमेंट में आती है आज सेक्टर, उसका आउटलुक इतना अच्छा नहीं शॉर्ट टर्म के लिए, इसलिए उसने अभी नेगेटिव दिया। तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी रिटर्न्स भी दिलवाते हैं, ये दिखाने के लिए मैं दिखाया। तो अब मैं 3 केस स्टडी आपको दिखाऊंगा कि कैसी होती है ब्लू चिप हमारे मन में, जिसको हमने चुना और रिटर्न भी पाया, जो कि आपकी इस न्यू फंड के पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हैं, पर वो गारंटी नहीं है क्योंकि फंड मैनेजर की आउटलुक है उसके ऊपर। मगर एज एन एग्जाम्पल मैं आपको ये पेश करना चाह रहा हूँ कि दिखाने के लिए कि कैसी रिटर्न पोटेंशियल होती है ब्लू चिप कंपनियों से। तो टाटा कंज्यूमर को मैंने पहले लिया है, जिसने टाटा टी, टाटा सॉल्ट और टाटा कॉफी की मर्जर से ये कंपनी बनी। टाटा कंपनी, टाटा की ब्रांड उसके साथ है, उसकी इंडिया वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसके साथ है। तो ऐसी कंपनी की सेल्स करीबन 6,700 करोड़ से आज 10,700 करोड़ तक बढ़ गई है, और अगले साल करीबन 11,500 करोड़ की उम्मीद है। तो इसकी ईपीएस देखिए 6 से आज 8 बनकर अगले साल करीबन दुगना होने का उम्मीद है। और अगर आप पी रेशो देखिए, इसमें बहुत बड़ा एक सबक है, क्या है वो कि हमने ब्लू चिप्स जो होते हैं हाई पी होते हैं, बिकॉज सबको जानकारी है, सभी चुनते हैं, पर इसमें क्या है कि 90 पी में हमने खरीदा। तो पी का क्या होता है, मैंने बताया ना आपको कि क्या पी बनती है एक फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर और लिक्विडिटी के ऊपर। तो लिक्विडिटी तो आ गई इसलिए 90 पे गई, तो फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ का भी एक उम्मीद था, मगर वो 90 पी में हमने खरीदा, आज उसका 66 है और अगले साल 46 होने का। यानी इस कंपनी की अर्निंग्स जो एनालिस्ट ने प्रिडिक्ट किया उससे बेहतर कंसिस्टेंटली आई, इसलिए उसकी पी। तो ये पी की गिरावट में एक गुड न्यूज है, तो नेचुरली स्टॉक में भी वो प्राइस का एडवांटेज मिला हमें। जनवरी 2017 में हमने खरीदा तो तब के आज के रिटर्न जो आपने देखा निफ्टी 100 इंडेक्स में 7% पर एनम है, पर इस स्टॉक ने रिटर्न किया 43% पर एनम। तो समझ लिया आपने ब्लू चिप का। सेकेंड कंपनी जो मैंने चुना है भारती एयरटेल, ये 2 प्लेयर इंडस्ट्री में है, पास्ट हिस्ट्री चेकर्ड रही है क्योंकि बहुत कंपटीशन था यहाँ पर, फिर भी अभी ये डुओपोली बन गई है, छोटे कंपनी सब नुकसान में चले गए। तो ये 2 प्लेयर जो है जियो और भारती एयरटेल ये डोमिनेट करने वाले हैं, और भारती का खास चीज यह है कि वो डेडिकेटेड टेलीकॉम प्लेयर है और उसके पास भी फॉरेन इन्वेस्टर सिंगापुर टेलीकॉम का सपोर्ट भी है। तो इट्स डिफिकल्ट टाइम फ्रेम, पिछले 5-6 साल में इस कंपनी की हालत भी ऊपर नीचे रही है, फिर भी उसने अपना एबिटडा मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन को सॉलिड रखा है 36-40 के लेवल पर। यहाँ पे भी पी रेशो बहुत हाई थी, फिर गिरी, फिर नेगेटिव क्योंकि एजीआर का इश्यू आया, प्रॉफिट अप एंड डाउन, बट ऐसी कंपनी की हालत क्योंकि फ्यूचर आउटलुक अभी भी सॉलिड है। देखिए इंडेक्स में रिटर्न मिला 7%, तो इस स्टॉक में हमें दिया 18% पर एनम। तो ये भी हमारे मन में एक ब्लू चिप कंपनी है। तीसरी एग्जांपल जो मैं लूंगा वह है SBI लाइफ इंश्योरेंस, स्टेट बैंक का ब्रांड है, स्टेट बैंक का ब्रांच नेटवर्क है
ऑलरेडी 23% मार्केट शेयर लेकर ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर है, ये LIC इन द मेकिंग है। तो ऐसी हालत में इस कंपनी की ग्रोथ देखिए, एंटरप्राइज वैल्यू जो होता है सेल्स, तो 200 करोड़ से आज 400 करोड़ की ओर बढ़ रही है, और उसकी EPS भी 11.5 से करीबन 23 के ऊपर दुगना होने का एक्सपेक्टेशन है। और पी रेशो ये भी हाई पी में, 75 की पी में हमने खरीदा था तो आज 43 पे आ गई है, अगले साल 37, यानी इस कंपनी की भी अर्निंग्स भी एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से बेहतर कंसिस्टेंटली डिलीवर हुआ है। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए कि इंडेक्स की रिटर्न्स इन सितंबर 17 जब हमने खरीदा 3.5%, तो ये स्टॉक की बढ़त रही है 10%, करीबन 3 गुना। ये थे भाइयों 3 केस स्टडी जहाँ पे ये ब्लू चिप हमने खरीद के एक्सपीरियंस किया है, और ये एक कैंडिडेट है नई फंड में निवेश करने के लिए भी, मगर मैं उसको एग्जाम्पल के जरिए आपको बताना जरूरी समझा। ये बात है कि स्टॉक के बाद सेक्टर में ये फंड अग्नोस्टिक होगी, क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म स्पेक्टर नहीं रखेगी। ये हर साल 2007 से देखिए रेड में है बैड ईयर फॉर द सेक्टर, ग्रीन में है गुड ईयर, और बीच वाले कलर कितना बदलाव आया है पिछले 13 साल में, राइट। तो सेक्टर अग्नोस्टिक होगी ये, और पिछले 3 साल में हमें देखिए हमारी ओवरवेट और अंडरवेट सेक्टर में कितना बदलाव आया। तो सेक्टर को हम डायनेमिक रखेंगे, शिफ्ट करते आएंगे। और अब ध्यान देता हूं मैं कि ये फंड के मैनेजर है मिस्टर राहुल बैजल, तो वो हमारे लार्ज कैप फंड मैनेजर है सुंदर के अंदर, और उनकी जो फंड्स मैनेज है सभी ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक में निवेश करते हैं, जैसे फोकस, हाइब्रिड सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज। और सेलेक्ट फोकस की बात करें तो देखिए इस फंड में और ब्लू चिप फंड में और सेलेक्ट फोकस में क्या फर्क बताना जरूरी है, क्योंकि ये भी लार्ज कैप फंड है सेलेक्ट फोकस। तो बात बनती है कि सेलेक्ट फोकस फोकस कैटेगरी में है, फोकस लार्ज कैप है, 30 स्टॉक में निवेश करती है, तो इसका तो 45 से 50, सो कॉन्सेंट्रेटेड वर्सेस डाइवर्सिफाइड। सेकेंड, इसका रिस्क रिवॉर्ड हायर है सेलेक्ट फोकस का, क्योंकि 30 स्टॉक के अंदर खाली 10 स्टॉक 60% उसके पोर्टफोलियो में अकाउंट करते हैं, यानी बहुत कॉन्सेंट्रेशन, वेरस यहाँ पे वो डाइवर्सिफाई करके वॉलेटिलिटी रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और 10 स्टॉक का खाली 40-45% होगा, बाकी 25-30 स्टॉक के ऊपर रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो को स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे भी सेक्टर और स्टॉक का ओवरवेट अंडरवेट थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि फंड मैनेजर साइजिंग करता है, कुछ स्टॉक चुनने तो एक रिस्क लेने का है ना, तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, यहाँ पे उतना नहीं हुआ, ये बेंचमार्क हगिंग होगा उसके खिलाफ। और इसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल होती है गार्प, गार्प माने ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, फोकस के अंदर खाली ग्रोथ ओरिएंटेड ज्यादातर परचेज, पर इसमें ग्रोथ और वैल्यू को ब्लेंड करेंगे। जैसे मैंने सेक्टर में उन्होंने बताया ना, सेक्टर चेंज होती है तो कोई सेक्टर अंडर वैल्यूड है तो वहां पे स्टॉक लेगी, और जैसे वैल्यू आती है उसको निकालेंगे, तो एक ब्लेंड ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यू से रिस्क कम कराने की कोशिश करेंगे ब्लू चिप में एज कम्पेयर टू फोकस। तो ये फोकस के बारे में मैं बताता हूँ कि उसके टॉप 10 स्टॉक्स लास्ट 2 ईयर से देखिए 60% रही है, टॉप 3 स्टॉक्स 25%, सो हाई कन्विक्शन सुपर कॉन्सेंट्रेशन। और अगर आप देखें ओवरलैप विद बेंचमार्क, ओवरलैप ऑन स्टॉक एंड सेक्टर, तो सेक्टर ओवरलैप 80% एवरेज रहा है, 20% आउट ऑफ सेक्टर उन्होंने लिया है, और 40% उन्होंने स्टॉक में बाहर लिया है। तो एक रीजनेबल सेक्टर ओवरलैप और हाई स्टॉक नॉन ओवरलैप उन्होंने फोकस में इस्तेमाल किया है। इस फंड में ऐसा नहीं होगा, इसमें और क्लोजर टू बेंचमार्क होगी। और इसके अलावा वो एक डाइवर्सिफाइड, आप सोचेंगे कि अरे ये फंड मैनेज कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेट मैनेज करें, क्या डाइवर्सिफाइड भी मैनेज कर चुके हैं? बिल्कुल। तो बैलेंस फंड के अंदर जो इक्विटी है 75% लार्ज कैप ही है, राइट। सो 75% लार्ज कैप के अंदर उन्होंने डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो 48 स्टॉक लिए हैं, और टॉप 10 स्टॉक का 45% ही शेयर है। तो जैसे ये फंड वैसे उन्होंने इक्विटी हाइब्रिड को भी चलाया है। और तीसरी फंड को मैं 2 मिनट के लिए बात करूं, सर्विसेज फंड, क्योंकि इसमें एक लेसन है हमारे लिए, क्या है कि ये भी एक 60% लार्ज कैप फंड है, उन्होंने 2 साल पहले लॉन्च किया था, तब उन्होंने डिप्लॉयमेंट NFO 6 महीने में ग्रेजुअली किया था, क्योंकि तब उन्हें लगा था, सबको पता था कि एक वॉलेटाइल पीरियड आ रही थी सेकेंड हाफ ऑफ 2018 में। तो अभी स्थिति सेम है, क्योंकि US इलेक्शन सामने आ रहा है,
तो हर बार देखिए यूएस इलेक्शन के 3 महीने पहले स्टॉक मार्केट करेक्ट होती है, क्योंकि अमेरिका में वो लोग पैसा निकालते हैं तो इंडिया से भी निकल सकता है। तो एक वॉलेटाइल टाइम आगे दिख रहा है, जैसे 3-4 महीने से भी शुरू हो चुकी है वॉलेटिलिटी, तो मगर 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद पॉजिटिव टेरिटरी वापस आती है। तो ये एक अच्छा मौका है स्टॉक खरीदने का, और इसलिए उन्होंने धीरे धीरे खरीदा। जैसे ही उनको पोर्टफोलियो में जो स्टॉक आने की इच्छा होती है तो उसका दाम गिरता है, तो जब खरीदे तो कैश का जो एडवांटेज होता है एनएफओ का, वो उसको सही तरह से सर्विसेज में उन्होंने इस्तेमाल किया। और इस फंड में भी आप उम्मीद रख सकते हैं कि वो धीरे धीरे पैसे को लगाकर उस अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को अच्छे दाम में खरीदने की कोशिश करेंगे। तो उससे अब मैं आता हूँ कि समराइज करने के लिए फंड की जो बेडरॉक है, 3 चीज है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 45-50 स्टॉक, 3-pronged ब्लू चिप क्वालिटी फ्रेमवर्क और ग्रोथ एंड वैल्यू का ब्लेंडिंग। तो ऐसी हालत में अब मैं बताता हूँ कि क्यों हमने सुमो पहलवान को चुना है, क्योंकि हमारे मन में पहली चीज है कि साइज मैटर्स, यानी साइज के कारण उनके एडवांटेज मैंने बता दिए जो कि ब्लू चिप फंड में जारी है। अगर ये साइज के अलावा 2 और बेनिफिट होता है ऐसी ब्लू चिप कंपनियों में जो कि सुमो रेस्लर में भी होता है, क्या वो है? वो पहला चीज जो दूसरा क्रिएटिव हमने यूज किया है कि स्टेबिलिटी, देख रहे हैं वो कैसे वो एक माउंटेन की तरह रुका हुआ है। तो क्या है इसमें एडवांटेज? ब्लू चिप कंपनियों की भी स्टेबिलिटी, यानी कुछ भी हाल हो मार्केट में उनकी हालत में उतने बदलाव नहीं आते जितना स्मॉल कैप पर मिड कैप में। तो साइज के साथ स्टेबिलिटी भी जो सुमो रेस्टर में है वो ब्लू चिप स्टॉक में भी हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरी एडवांटेज जो है दिखाया, तो कुश्ती होती है सुमो रेसलर के बीच में, तो एंड में तो एक रेसलर दूसरे को पलट के नीचे गिरवाता है, तो उस वो चीज करने के लिए उसको फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी की जरूरत है ना, तो ब्लू चिप कंपनियों में वो भी शामिल है। इसलिए हमने सुमो को चुना, क्योंकि ये सब चीज हम आसानी से आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कैसी हम ये क्वालिटी, साइज गिव्स स्ट्रेंथ, साइज गिव्स स्टेबिलिटी और साइज कम्स विद एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीनों बात हम इस 3 क्रिएटिव जो आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में, डिजिटल चैनल में, सभी में आप ये तीनों क्रिएटिव्स को हम पेश करेंगे आपको इन अ मिक्सड मैनर, ताकि ये पॉइंट आपके मन में टिक जाए। तो ऐसी हालत में समराइज करने के लिए ये फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी है, लार्ज कैप में निवेश करेंगी, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगी, निफ्टी 100 इसका बेंचमार्क होगा, और राहुल बैजल इसके फंड मैनेजर है, और निवेश करने के लिए आपको ज्यादा कोई रकम की जरूरत नहीं है, 100 रुपया से भी चल सकता है, और ऐसा भी हम 100 रुपया में ले सकते हैं, 1 साल का एग्जिट लोड है। थैंक यू और धन्यवाद। अगर आप कुछ क्वेश्चन है आपके सामने तो मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। Thank you, sir. Participants, if you have any questions, please post them on chat. We will answer them. Pehla question, sir. Hame Sundaram Blue Chip Fund में निवेश करना चाहिए, हम ऑलरेडी सेलेक्ट फोकस में इन्वेस्टर हैं। तो सेलेक्ट फोकस एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फंड है, ब्लू चिप एक डाइवर्सिफाइड फंड है, तो जैसे आपकी इन्वेस्टर की मेंटालिटी है उस हिसाब से आप जज कीजिए। दोनों अच्छे फंड हैं, दोनों अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, फोकस में थोड़ा हायर रिस्क लेंगे हायर रिवॉर्ड की कोशिश में, डाइवर्सिफाइड में लोअर रिस्क लोअर रिवॉर्ड। तो इन्वेस्टर की मेंटालिटी से आप ये डिसीजन लीजिए, आपके एग्रेसिव मॉडरेट जैसे मैंने बताया उस। अगला क्वेश्चन सर, अभी मार्केट में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है, तो हमें और शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि अगर आपको एग्रेसिव मेंटालिटी हो, मैंने बताया कि थोड़ा बहुत मिडिल स्मॉल कैप में निवेश करते हैं, वहां पे मैं SIP और SIP के रूप में निवेश सलाह दूंगा। लार्ज कैप में मैं कहूंगा कि आप जनरल ओपन एंडेड लार्ज कैप में कर सकते हैं या इसमें कर सकते हैं, मगर
लार्ज कैप में भी मैं कहूंगा कि एक एसटीपी के रूट या एसआईपी के रूट इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एनआईवी में थोड़ी वॉलिटिलिटी आएगी। मगर ये न्यू फंड जो है हमारी ब्लू चिप फंड, उसमें एडवांटेज क्या है कि आप लमसम में भी कर सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर आपको स्टैगर्ड तरीके से इस वॉलिटिलिटी का लाभ उठाएगा। तो अगर आप जनरल कोई ओपन एंडेड लार्ज कैप में लगा रहे हैं तो आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, मगर इस एनएफओ में करने से आपको लमसम में भी कर सकते हैं। और एनएफओ में एसआईपी का भी हमने फैसिलिटी दिया है, वो है जो कि लोगों को जो इनकम मंथली आता है उनको एसआईपी बेटर सूटेड होता है, तो उनके लिए हमने एसआईपी की फैसिलिटी भी जारी रखी है इस एनएफओ के अंदर। वैसे तो आपके पास रकम है तो आप लमसम में भी कर सकते हैं एनएफओ के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन, सर्विसेज फंड और ब्लू चिप फंड में क्या डिफरेंस है? तो ब्लू चिप फंड में जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग साइकिल शुरू होती है तो मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोजर धीरे धीरे लेंगे, सर्विसेज में तो नहीं लेंगे, तो वो फर्क है। सेकंड इज सर्विसेज एक थ्रू मल्टी कैप है, अभी 60% लार्ज कैप है और बाकी तो मिडल स्मॉल कैप है, मगर ये फंड में 80% लार्ज कैप है। तो सर्विसेज थोड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है और खाली सर्विसेज सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, इसमें लेसर रिस्क लेसर रिवॉर्ड है और ये लार्ज कैप में ज्यादा निवेश करेगी। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी लार्ज कैप के अंदर जब अच्छी उनकी सेक्टर आउटलुक होती है तो वो भी निवेश कर सकती है जो सर्विस में नहीं। अगला क्वेश्चन सर, इक्विटी हाइब्रिड फंड में डिविडेंड आएगा इस महीने? जरूर आना चाहिए, क्योंकि मैं हर महीने की जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं उसके लिए आना चाहिए मेरे ख्याल में, अनलेस मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है। मगर वो मार्च करेक्शन टाइम में थोड़ा हमने स्टॉप किया था तो प्रॉफिट नहीं आई थी, अब तो प्रॉफिट है तो मेरे उम्मीद में आना चाहिए। मगर अभी मंथ एंड में टाइम है, अभी अगले महीने के फर्स्ट वीक में ही डिविडेंड की टाइम आएगी, तो मार्केट की हालत देख लिए हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम जारी रखें। और कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड प्लीज स्टे सेफ इस महामारी के टाइम। थैंक यू।